ठीक है अब क्वेश्चन करके देख लिया मान लिया क्वेश्चन से यू हैविंग एफ एक्स इज इक्व टू कुछ भी मान लिया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक है और प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एटीन ठीक है इसमें मैक्सिमम इन निकालना है आंसर तो हमने क्या किया एफ़ डैश एक्स निकाला तो कितना आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व ठीक है इसको जीरो किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा थ्री कैंसिल दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्व टू ज़ीरो यहाँ से जाएगा एक्स इज इक्व टू टू अब ये टू निकला है ठीक है तो फिर हमने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया एफ डबल डैश एक्स वो कितना गया सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व इसका वैल्यू कैलकुलेट किया टू पे अब हमें यह पता लगाना है कि यह मैक्सिमा है मिनिमा है तो इसलिए हमने इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया उसका वैल्यू टू पे कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ये तो जीरो आ गया तो मतलब ये ने काम नहीं किया फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो थर्ड डेरिवेटिव आ गया यह कितना आ गया सिक्स ठीक है अब इसका वैल्यू तो नॉन जीरो आ गया पहली बार तो बस इसके आगे बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे ठीक है इसका वैल्यू तो हमेशा ही सिक्स है तो टू के लिए भी सिक्स ही आएगा इसका वैल्यू ये ठीक है तो कॉन्स्टेंट ही आ गया कॉन्स्टेंट आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट नॉ दो पे नॉन जीरो वैल्यू तो आई गया ठीक है तो बस यहीं रुक गए अब ये कौन सा डेरीवेटिव है थर्ड डेरीवेटिव है थर्ड डेरीवेटिव तो क्या होता है ऑड तो ये तो ऑड नंबर पे जाके नॉन जीरो वैल्यू आए तो अगर ऑड नंबर पर जाके नॉन जीरो वैल्यू आए तो दिस एम्प्लाइज नाइदर मैक्म ये ठीक है नॉर मिनिमा एग्जिस्ट ठीक है ना इधर मैक्म नॉन एग्जिस्ट हमने ये क्यों बोला कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करा हमें तो ये बोलना चाहिए कि दो पे एग्जिस्ट नहीं करा वो भी बस सही है क्योंकि हमने जब एफ डेस को डिफरेंशिएट किया तो एक ही पॉइंट मिला और कोई पॉइंट ही नहीं मिला तो जो मैक्सीम मिनिमम मिलने वाला था वो दो पे ही मिलने वाला था और कोई मिलने ही वाला ही नहीं था और वहाँ पर भी मैक्सीम मिनिमम कुछ आया नहीं तो कुछ कभी भी मैक्सीम मिनिमा नहीं आएगा ये ठीक है ये हो गया आपको पहला चीज दूसरा अगर मैं इसको फर्स्ट वाले मेथड से करना चाहता तो हम क्या करते इतना पार्ट तो उसमें सेम रहता यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करते उसको जीरो करते एक्सदी को शुरू टू आ जाता ठीक है तो ऑल्टरनेटिवली हम क्या करते कि फिर जो एफ डैश एक्स है ऐसे ले गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व ठीक है इसमें अगर मैं तीन कॉमन ले लूँ तो याद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर या फिर दिस विल बी थ्राइस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ठीक है तो टू पर तो इसका वैल्यू क्या जाता है जीरो बट अगर इसमें साइन चेंज के हिसाब से देखें तो दो से थोड़ा पहले वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और दो के थोड़ा आगे रखोगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इस बारे केस में अगर मैं साइन चेंज वाले की तरफ से देखूँ तो इसका साइन चेंज ही नहीं हुआ ठीक है अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर वापस मैक्मा मिनिमा कुछ नहीं ठीक है तो यहाँ से ही बोल सकते हैं साइन बिकॉज साइन चेंज नहीं हुआ इसलिए दर मैक्सिमा ठीक है नॉर मिनिमा ठीक है और एक आधे एग्जांपल देख लेते हैं एंथ डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मान लिया क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्व टू से एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एल एन एक्स ठीक है ये मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो एफ डैश एक्स निकाला वो हो जाएगा चेन रूल है पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट किया इन टू एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज इन टू एल एन एक्स का विल बी सॉरी एक मिनट तो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं वरना फिर उल्टा ये ये अल इन स्क्वायर एक्स हो गया क्वेश्चन और चेंज कर लिया ऐसे मतलब जनरल ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिख लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के जो इक्वेशन है वो अनसॉल्वेबल बन जाए तो अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया था तो आगे चल के दिक्कत आता है इसमें ठीक है इसलिए आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन मान लिया ये है माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर मान लिया ये क्वेश्चन है ये ठीक है प्लस थर्टीन इसको डिफ्रेंशिएट किया कितना देगा फोर एक्स माइनस थर्टी टू एक्स सही है बिल्कुल तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा फोर एक्स कॉमन आ जाएगा इंटू और अंदर कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस एट ठीक है तो अगर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखा तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा एक्स बराबर जीरो आ जाएगा इसकी वजह से और इसकी वजह से आ जाएगा टू रूट टू एंड माइनस टू रूट टू तीन पॉइंट आ गए तो मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए तीन पॉइंट आ सकते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए अब हमने आगे डिफेंशिएट करना शुरू किया तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा अगर मैंने एक बार और डिफेंशिएट किया ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी टू सही है बिल्कुल ठीक है तो इसमें मैंने चेक किया इन तीनों पॉइंट को चेक करना है ठीक है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया अब इन तीनों पॉइंट को हमें चेक करना है कि कहाँ मैक्सिमम भी है अगर इसमें मैंने एक्स की जगह जीरो रखा ये ठीक है तो एफ़ डबल डैश जीरो कितना आ गया माइनस थर्टी टू ठीक है तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीरो के लिए तो जीरो के लिए क्या हुआ ये तो इवन डेरिवेटिव है जो पहली बार नॉन जीरो आया ये तो पहली बार ही नॉन जीरो आ गया ठीक है तो मैक्सिमम इनम आएगा इवन डेरिवेटिव पे मैक्म इन आता है पहला चीज दूसरा कि इस वाले केस में जो वैल्यू आया वो नेगेटिव आया है तो इसलिए मैक्सीम आएगा तो यहाँ से हमें क्या पता लगा दिस एम्प्लाईज एक्स एज इक्वल टू जीरो इज लोकल मैक्सिमा ठीक है ये तो पहला आ गया दूसरा एक्सेज इक्व टू टू रू टू की बात करते हैं तो एफ डबल डैश ठीक है टू रूट टू कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्सर टू रूट टू रखोगे तो तो स्क्वायर कितना हो जाएगा एट तो माइनस थर्टी टू तो ये तो दिख रहा है हमें पॉजिटिव वैल्यू है ये भी जीरो नहीं आया तो अगर ये पॉजिटिव आया है इवन डेरेवेटिव पहला इवन डेरेवेटिव पे नॉन जीरो वैल्यू आया है तो उससे तो हमें क्या पता लगा मैक्सिम मिनिमा होगा पक्का फिर ये पॉजिटिव वैल्यू आया इसलिए मिनिमा होगा तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू इज लोकल मिनिमा ठीक है और थर्ड क्या हो गया एक्सज इक्व टू माइनस टू रूट टू इसमें भी यही वैल्यू आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो प्लस टू रूट टू रखो चाहे माइनस टू रूट टू रखो एक ही वैल्यू आएगी तो एफ डबल डैश एट माइनस टू रूट टू विल ऑल्सो कम आउट टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव है इवन डेरिवेटिव है मैक्सिम मिनिमा पॉजिटिव है तो मिनिमा तो एक्स इक्व टू माइनस टू रूट टू इज लोकल मिनिमा ठीक है बस ये क्वेश्चन हो गया आई होप समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन लेते हैं फाइनली एफ एक्स इज़ इक्वल टू से एक्स एस टू पार फोर ठीक है माइनस फोर एक्स क्यूब ठीक है, है मान लीजिए तो फिर सल्यूशन डिफेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा फोर एक्स क्यू माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर तो यहाँ से फोर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आ गया एक्स माइनस ट्वेल्व ठीक है तो एफ डैश एक्स को अगर मैंने जीरो किया तो वहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड ट्वेल्व ठीक है अब इन्हें चेक करना है कि जीरो और ट्वेल्व पे मैक्सिमा या मिनीमा तो फिर हमने f डबल डैश एक्स निकाला ठीक है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स ठीक है तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ट्वेल्व एक्स कॉमन लिया तो x माइनस टू तो इसमें अगर मैंने एक्स इज टू ट्वेल्व रखा ठीक है तो ट्वेल्व रखने पर कितना हो जाएगा एफ़ डबल डैश ट्वेल्व इज इक्वस टू ट्वस्र इन टू टेन ये हो गया ये तो जीरो नहीं आया तो इवेंट डेरिवेटिव है जीरो नहीं आया तो दिस एम्प्लाइज मैक्सिमम मिनिमा फिर ये वैल्यू तो पॉजिटिव है तो दिस एम्प्लाइज लोकल मिनिमा पॉजिटिव है तो एट एक्स इज इक्व टू ट्वेल्व ये ठीक है दो पॉइंट पे चेक करना है जीरो पे और ट्वेल्व पे तो ट्वेल्व तो यही खत्म हो गया इसके आगे जाने के जो उतनी बढ़ा ट्वेल्व की वजह से अब इसमें अगर हमने एक्स इक्वल्स टू जीरो रखा तो एफ़ डबल डैश के लिए जीरो पे जीरो आ गया अगर जीरो आया तो फिर तो हमें आगे जाना पड़ेगा तो अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो एफ़ का थर्ड डेरीवेटिव वो कितना जाएगा? ट्वेंटी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर फिर इसमें एक्सद इक्वल्स टू जीरो रखा ठीक है तो इसमें अगर जीरो रखा तो इस बार वैल्यू कितना आ गया माइनस ट्वेंटी फोर ये तो नॉन जीरो वैल्यू आ गया पहली बार ठीक है अच्छा ये समझता है कि दो पॉइंट अलग अलग हैं जब हम जीरो के बारे में डिस्कस करें तो ट्वेल्व का नाम ही मत लो जो एफ़ डैश को जीरो के ये जो दो पॉइंट आए इनको तो अलग अलग एनालाइज करेंगे ट्वेल्व की वजह से तो एक बार ही डिफ्रेंशिएट करके काम चल गया तो वो तो वहीं ख़त्म हो गया वो तो हमने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स जीकोस टू ट्वेल्व लोकल मिनिमाए अब एक्स जीकोस टू जीरो के बारे में बात करें ठीक है वो तो ख़त्म हो ही गया अब हमने जीरो अगर रखा एफ़ डबल डैश में तो वो जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या है कि आगे हमें जाना पड़ेगा फिर हमें डिफ्रेंशिएट किया एक बार और वो पहली बार नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो ये जो पहली बार नॉन जीरो वैल्यू आया ये कौन से डेरिवेटिव पे है ऑड डेरिवेटिव पे तीसरे नंबर पे आए तो अगर ऑड डेरिवेटिव पे आया तो ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा ये ठीक है तो यहां से क्या पता लगा दिसंपल इज एक्स इज इक्वल तो टू जीरो इज नीदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा ठीक है ना तो ये लोकल मैक्स में है ना लोकल मीनि है तो बस यही हो गया ये आंसर हो गया तो आई होप समझ में आ गया होगा वैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि क्या बोलते हैं साइन चेंज से भी देख सकते हैं ठीक है तो जैसे साइन चेंज से अगर मैं देखता तो एक्स एस्ट वाइफ फोर फोर एक्स क्यू ठीक है ऑल्टरनेटिवली जो हम पहले कर रहे थे विदाउट एनिथ डरिटिव टेस्ट के वो तो ऐसे कर रहे थे एफ एक्स एज टू एक्स एक्सपा फोर माइनस फोर एक्स क्यू भी आ गया तो एफ डे एक्स कितना आता फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर विच इज इक्व टू फोर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो एक्स माइनस ट्वेल्व आता ठीक है इसको जीरो किया तो एक्स इज टू जीरो आया एंड ट्वेल्व आया तो अब जीरो और ट्वेल्व पे पहले मेथड में तो साइन चेंज देख रहे थे ट्वेल्व ठीक है तो अगर मैंने ट्वेल्व से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखा तो ये तो पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा ट्वेल्व के आगे ट्वेल्व से थोड़ा छोटा वैल्यू रखा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा इसमें तो कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इधर नेगेटिव साइन आएगा अब जीरो से मैंने थोड़ा छोटा वैल्यू रखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये अभी भी नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा ठीक है तो एफ डैश को जीरो करके तो दो पॉइंट आइडेंटिफाई हुए जीरो और बारह जीरो एंड ट्वेल्व तो ट्वेल्व पे साइन चेंज कैसे हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव ठीक है तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ की बात करें अगर तुम्हें तो याद हो कि अगर एफ डैश नेगेटिव है तो पहले ग्राफ नीचे जाएगा फिर पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये तो मिनिमा आना चाहिए यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव मतलब इससे पहले भी डिक्रीज़ करेगा और उसके बाद में भी ऐसे डिक्रीज़ करेगा तो ना मैक्सीम आएगा ना मिनिम आएगा ये ठीक है तो पहले वाले मेथड से तो इतना समय हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यही आंसर बता देते हम केवल साइन चेंज देख के ठीक है तो यहाँ पे दिस इज साइन ऑफ एफ डैश ये ऑल्टरनेटिव मेथड है एतवारों करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ से हमें क्या पता लगा एक्स इज इक्व टू जीरो इज नाइदर ये ठीक है मैक्सिमा नॉर मिनिमा एंड एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व इज लोकल मिनिमा ठीक है ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको आल्टरनेटिवली जनरली अगर किसी क्वेश्चन में लॉग वॉग सॉरी किसी क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं और साइन देखने में दिक्कत हो तब हम ये हमें डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं ये ठीक है या फिर कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आ रहा हो जिसमें साइन देख साइन पता ना लग रहा हो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ रहा है तो फिर डिफ्रेंशिएट करके हो सकता है कुछ क्वेश्चन में फ़ायदा हो जाए वन मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हमने क्या बोला कि एफ डैश के साइन चेंज से ही बता सकते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम दैट इज़ प्रेफरेबल रहा था